कुछ स्टॉक्स की रिगार्डिंग न्यूज आई है वो कवर कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज है आयुषर मोटर की रिगार्डिंग। आयुषर मोटर का शेयर लास्ट दो दिन से डाउन चल रहा है, इसका रीजन क्या है वो देखते हैं। कल हार्ले डेविडसन एंड हीरो मोटोकॉर्प ने X440 मॉडल की बाइक लॉन्च कर दी है। देखिए, आयुषर मोटर का मेन बिजनेस रॉयल एनफील्ड का है, इसी कारण ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर को अच्छी रिटर्न प्रोवाइड करता है। बट अब उसको कम्पीट करने के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने भी 2.3 लाख की रेंज में ये बाइक्स लॉन्च करी है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि रॉयल एनफील्ड का न्यू मॉडल 350cc का प्राइस भी इतना ही है। और आज एक और खराब न्यूज आ गई है आयुषर मोटर के लिए, और ये न्यूज आई है बजाज ऑटो की तरफ से। बजाज ऑटो ने भी आज ट्रिम मोटरसाइकिल के साथ मिलकर स्पीड 400 एंड स्कैम्बलर 400X लॉन्च कर दी है। इन बाइक्स का प्राइस भी 2.33 लाख रखा गया है, और ये प्राइस फर्स्ट 10,000 कस्टमर के लिए एप्लीकेबल होगा। और इसी न्यूज के कारण आज सेम टाइम में ही बजाज ऑटो का शेयर ऊपर की तरफ भागा। ये देखो, इस पॉइंट से बजाज ऑटो का शेयर भागा था, और हम आज के ही आयुषर मोटर का चार्ट ओपन कर ले तो इसी सेम टाइम के अंदर आयुषर मोटर में सडन फॉल हो गया था। तो इन न्यूज के कारण हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो दोनों ही भाग रहे हैं, और वहीं आयुषर मोटर की बैंड बज रही है, वो दो दिन से गिर रहा है। वैसे 90% मार्केट रॉयल इनफील्ड एक्वायर करता है। अब देखते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो कितना मार्केट रॉयल इनफील्ड से छीन लेते हैं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। सेकंड स्टॉक की बात करते हैं, सुजलन एनर्जी, जिसमें आज लोअर सेक्टर देखने को मिल गया है। मैंने कल ही अपने वीडियो में शेयर किया था कि इस कंपनी के फंडामेंटल कोई खास नहीं है, इसमें पंप एंड डंप का गेम बनेगा, तो गलती से भी इसमें बाइंग पोजीशन मत ले लेना। बट आजकल लोगों को ऐसे शेयर ज़्यादा पसंद आते हैं। इस तरह के पैनी स्टॉक कुछ दिन अपर सेक्टर के लगा दे, उन्हें लगता है कि यही वो स्टॉक है जो उनके पैसे को 10-20 गुना कर देंगे, और फिर वो उन स्टॉक्स को हाई में बाय करके फंस जाते हैं। इसलिए एक कहावत भी है कि महंगा खरीदे रोए एक बार और सस्ता खरीदे रोए बार बार। मतलब अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स, उनका प्राइस ज़्यादा होता है बट वो सेफ रहते हैं, एज कम्पेयर टू दीज पैनी स्टॉक्स के जो प्राइस कम होने के कारण लोग ले तो लेते हैं बट बाद में उन्हें काफ़ी अफसोस होता है। आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। यहाँ आपको अच्छे स्टॉक्स के नेम कंटिन्यू शेयर किए जाते हैं, तो हर एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए अभी सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन जरूर कर लेना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थर्ड न्यूज़ में हम एक कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं जो सबके माइंड में चल रही है। निफ्टी इंडेक्स की रिबैलेंसिंग हो रही है, HDFC की जगह अब LTI माइंड्री आ रहा है या JSW स्टील आ रहा है, ये कन्फ्यूजन सबके माइंड में है। जैसा कि आपको पता है कि दो कंपनी HDFC बैंक एंड HDFC का मर्जर हो रहा है, और ये एक हो चुकी है, जिसकी वजह से अब HDFC डीलिस्ट हो रहा है। HDFC दो बड़े इंडेक्स में है, एक तो ये निफ्टी इंडेक्स में है जहां NSE की टॉप 50 कंपनीज होती है, और दूसरा ये सेंसेक्स 30 इंडेक्स में भी है जहां BSE की टॉप 30 कंपनीज होती है। अब HDFC डीलिस्ट होने के कारण दोनों इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 में एक एक जगह खाली हो गई है। निफ्टी 50 इंडेक्स में वो जगह LTI माइंड्री ने फिल कर दी है, और वहीं सेंसेक्स 30 में ये जगह JSW स्टील ने फिल कर दी है। तो कंक्लूजन ये है कि LTI माइंड्री ने HDFC को रिप्लेस करके निफ्टी 50 इंडेक्स में एंट्री ली है, और JSW स्टील ने HDFC को रिप्लेस करके सेंसेक्स 30 इंडेक्स में एंट्री ली है। आई होप आपकी ये कन्फ्यूजन अब क्लियर हो गई होगी। अडानी ग्रुप के लिए एक बैड न्यूज़ है, वो देखते हैं। HDFC मर्जर के बाद सेंसेक्स में पहले अडानी एंटरप्राइजेस शेयर की एंट्री की बात हो रही थी, बट अडानी के शेयर में लास्ट 5-6 महीने में जो भी हुआ है उसके कारण ऐसा नहीं हुआ, और उसकी जगह JSW स्टील की एंट्री हो गई है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें बैड न्यूज़ क्या है। देखिए, इंडेक्स के अंदर काफ़ी बड़े बड़े फंड हाउसेज इन्वेस्ट करते हैं, तो जो शेयर इन इंडेक्स में होते हैं उसमें अपने आप इन फंड हाउसेज का इन्वेस्टमेंट आ जाता है, इसलिए अडानी एंटरप्राइजेस में अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगा क्योंकि ये सेंसेक्स 30 इंडेक्स में एंटर होने से रह गया है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक न्यूज रिलायंस की रिगार्डिंग भी आई है। UK की एक फार्मा कंपनी है वॉलग्रीन बूट्स, मुकेश अंबानी उसको अक्वायर करने काफी टाइम से प्लान कर रहे हैं, और अब ये डील होती हुई नजर आ रही है। रिलायंस उनके फार्मा बिजनेस को इंडिया में लाने का प्लान कर रहे हैं। वॉलग्रीन स्ट्रगल कर रहे हैं फार्मा बिजनेस को ऑनलाइन मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए। अगर अंबानी की ये डील हो गई तो रिलायंस वॉलग्रीन कंपनी के अंदर मेजोरिटी स्टेक होल्डर हो जाएगा, उसके बाद रिलायंस इंडिया में ऑनलाइन फार्मा स्टोर ओपन करेंगे, जिससे टाटा 1mg एंड अपोलो फार्मेसी दोनों के लिए दिक्कत क्रिएट हो जाएगी क्योंकि उनकी कंपटीशन में रिलायंस आ जाएगा। तो देखते हैं ये डील कब तक होनी है। तो मैंने शेयर्स की रिगार्डिंग जो लेटेस्ट न्यूज़ थी आपको शेयर कर दी है। ऐसे स्टॉक्स की न्यूज़ लेते रहने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड सभी को शेयर करना, ताकि सभी को ये न्यूज़ की जानकारी मिल सके।
आपकी भी कोई क्वेरी हो स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक की रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।